एक नई चीज लागू की है जो कि ऑलरेडी संविधान में हमारे पास ऑलरेडी थी, उसको सिर्फ एक शायद ध्यान हटाने पे लोगों का कि महंगाई बढ़ रही है, हमारी जो और चीजें हैं उनमें प्रॉब्लम हो रही है, BSNL बिक रहा है, एयर इंडिया बिक रहा है, शायद उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया है, जबकि आसाम का एक रेगुलर आ चुका था, आसाम का उनके पास आ चुका था कि 19 लाख लोग जो हैं वो उनको, जिसमें के सबसे बड़े मजाक है कि आसाम की CM भी तैमूर मैडम भी आ चुकी है, तो वो भी NRC में उनका नाम नहीं था, तो ये एक परेशान करने वाला है। और हम ये वजूद की लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है, हमारे आने वाली नस्लों की लड़ाई है, हम लड़ेंगे। शुक्रिया मेरी प्यारी बहन, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, सरकार दखल नहीं ले रहा, आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए साहब, उन्होंने ये कहा है कि मैं एक इंच नहीं हटूंगा, मैं ये कहती हूँ कि मैं इतनी लंबी लकीर खींच दूंगी कि उनसे ज़्यादा 8 इंच ऊंची लकीर खींच, वो ना हटे, वो वहीं खड़े रहें, हम आगे बढ़ जाएं। यास्मीन फारूकी, जयपुर से। थैंक यू। सफर पे हैं अभी आप, क्या शेयर करेंगे आप दिल्ली में और यहाँ नागपुर में? मैं यही कहूँगी कि ये ख्वातीन हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी थी। आपको अगर पता हो तो ज़रूर पता होगा कि जो नेशनल डे मनाया, विमेन डे मनाया जाता है, वो यही रेगुलेशन का नतीजा था कि जो वहाँ मजदूर औरतों को पैसे कम मिलते थे, वोट देने का हक नहीं था, वो रेवोल्यूशन लाई और दुनिया बदल दी। और इंशाल्लाह ताला मैं आज आपके सामने कह रही हूँ कि यहाँ पर भी ये दुनिया बदली। दिल्ली जो है वो राजनीति देख चुके हैं, बिहार की राजनीति देखिए। बाजी मैं ये भी कहूँगा कि नागपुर के शाहीन बाग में और जो बाकी के जो और हमारे देश में शाहीन बाग बने हैं, तो क्या लग रहा है आपको? और जगह के शाहीन बागों में परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, तो राजस्थान में 9 जगह शाहीन बाग बने हुए हैं, लेकिन जो अजियत और इबरत यूपी में मिल रही है औरतों को, अल्लामिया ऊपर वाला उनकी हिफाजत कर रहा है, कानपुर में आपको पता होगा उनके पानी फेंक दिया गया, उनके कंबल छीन लिए, इतनी छिछोरी हरकतें अगर सरकार करेगी तो मेरे ख्याल से तो वो सरकार रहने लायक नहीं। यूपी की औरतें जो है, हमारी बहनें जो है, वो वाकई में बहुत बहादुर है, बहादुर है और बहादुर है, तो उनके बारे में मैं उन औरतों को सलाम करती हूँ कि उनकी मेहनत, उनकी मशक्कत, और वो ज़रूर एक सैलाब लाएगी, एक रेवोल्यूशन है जो इंशाल्लाह ताला बदलाव। क्या लगता है आपको कि सरकार एक कदम आगे या पीछे करेगी? मैं सरकार के बारे में सोचती नहीं हूँ, मैं 4 कदम आगे बढ़ने के बारे में सोचती हूँ, दूसरों के बारे में मैं नहीं सोचती। संवैधानिक अधिकार है, हम लड़ रहे हैं, देखिए लड़ाई के नतीजे एंड में पता चलते हैं। अगर आप ये चाहें तो आपका जो वो था जर्मनी वाला, क्या नाम है उसका, हिटलर, मेरे ना वर्ड भूल जाती हूँ, हिटलर ने डिटेंशन कैंप खोल के यहूदियों को मारा था, और जो लोग थे वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने वो बनाया था, तो ये तो दौर है, सारे मूसा वो सारे ऐसे ही ढह जाते हैं सब, वो भी ये भी इनके भी, मैंने अभी एक शेर पढ़ा था, आपने सुना होगा कि वक्त सबका होता है, कोई सब अपने आप को खुदा समझते हैं और सब ख़त्म हो जाता है। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, सलाम करती हूँ इन औरतों को, अल्लाह ताला इन्हें और हिम्मत दे, ताकत दे, और इनको शऊर दे, और ये इसी तरह डटी। हमारी बहन बहुत यहाँ पर खिदमत कर रही है, बहुत मेहनत, हमारी एक साइड में वहाँ दादियाँ बैठी हुई है जी, बेचारी कम से कम 1.5 महीने से बाकायदा रोजा रख रही है, तो क्या रंग लाएगा? बिल्कुल, अभी आपने एक वो नज़्म नहीं सुनी, 80 साल की आज़ादी की शहजादी देख, तो वो इसीलिए हैं कि वो सारी हमारे साथ हैं, और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। आप सोच सकते थे क्या कभी कि मुसलमान औरतें इतनी हैं? सोच सकते थे? उनको भी शायद सकता है, आया हुआ है, होश में नहीं है, औरतें कैसे आ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।